हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में बताऊंगा और इसे याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आसाम। आसाम राज्य में कौन कौन से प्रमुख उद्यान और अभयारण्य हैं? तो आसाम राज्य में सबसे पहला है मानस वन अभयारण्य, और दूसरा है गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य, और तीसरा है काजीरंगा उद्यान। अब इसे याद कैसे किया जाए? इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये लाइन है, मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। इससे मानस से आप याद कर सकते हैं कि मानस वन्य जीव अभयारण्य, गर्म पानी से याद कर सकते हैं कि गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य, और काजी से याद कर सकते हैं काजीरंगा उद्यान। तो ये तो था आसाम राज्य में प्रमुख उद्यान और अभयारण्य। आगे चलते हैं, अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं? इसमें है पहला नामदफा वन्य जीव अभयारण्य, और दूसरा है पक्कुई वन्य जीव अभयारण्य। इसे याद करने के लिए भी एक लाइन है, वो मैं बताता हूँ। अरुण तुम नाम के पक्के हो, अरुण तुम नाम के पक्के हो। तो इसमें अरुण शब्द से अरुणाचल प्रदेश, नाम शब्द से नामदफा वन्य जीव अभयारण्य, और पक्के शब्द से पक्कुई वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से दो उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं। इसमें पहला है चंद्रप्रभा उद्यान और दूसरा है और दूसरा दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसे याद करने के लिए भी एक लाइन है, वो है चंद्रप्रभा ने यूपी में दूध बेचा। प्रभा ने यूपी में दूध बेचा। इसमें चंद्रप्रभा से आप याद कर सकते हैं कि चंद्रप्रभा अभयारण्य, और यूपी, यूपी से ये पता चलेगा ये उत्तर प्रदेश में है, और दूध से दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसमें है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, मालान पशु विहार, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि नंदा देवी अभयारण्य। अब इसे याद कैसे किया जाए? इसे याद करने के लिए भी एक लाइन है, वो है राजा जी ने जिम की गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई, फिर फूल उत्तराखंड की रानी नंदा देवी को प्रपोज करने चल दिए। राजा जी ने जिम की गोविंद माली जैसी बॉडी बनाई, फिर फूल लेकर उत्तराखंड की रानी नंदा देवी को प्रपोज करने चल दिए।
तो इसमें जो राजा जी शब्द है, इससे आप पता कर सकते हैं कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जिम शब्द से याद कर सकते हैं कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद शब्द से याद कर सकते हैं गोविंद पशु विहार, माली शब्द से याद कर सकते हैं मालन पशु विहार, फूल शब्द से याद कर सकते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी से याद कर सकते हैं कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड से यह पता चलेगा ये सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य उत्तराखंड में हैं। तो अब आगे चलते हैं, अगला जो है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है हम आपको बताते हैं। पहला है सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य, और दूसरा है चिल्का लेक पक्षी अभयारण्य। अब इसे याद कैसे किया जाए, इसे याद करने के लिए सिमली केवल चिल्का लेक उड़ीसा के किनारे गाना गाती है। सिमली केवल चिल्का लेक उड़ीसा के किनारे गाना गाती है। इसमें सिमली शब्द से आप याद कर सकते हैं कि सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य, चिल्का लेक से याद कर सकते हैं कि चिल्का लेक पक्षी अभयारण्य, और उड़ीसा से याद कर सकते हैं कि ये उड़ीसा राज्य में है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है यह हम आपको बताते हैं। तो कर्नाटक में है सोमेश्वर अभयारण्य, तुंगभद्रा अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे याद करने के लिए भी एक लाइन है, वो है सोम ने तंग आकर अपनी पत्नी भद्रा को बांदीपुर में कर्ण के पास छोड़ दिया। इसमें सोम शब्द से आप याद कर सकते हैं सोमेश्वर अभयारण्य, तंग और भद्रा से आप याद कर सकते हैं तुंगभद्रा अभयारण्य, और अगला है भद्रा से याद कर सकते हैं भद्रा अभयारण्य, और बांदीपुर से याद कर सकते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्ण से आप याद कर सकते हैं कि ये सारे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सो अभी तक मैं इतने ही ट्रिक बनाया हूँ, आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको सारे एग्जाम में सहायता करेगा, खास करके रेलवे जो अभी आने वाला एग्जाम है, और इसके अलावा एसएससी में ये भी पूछा जाता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। अगर आपको मेरे द्वारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे कई शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा।